सुनो ना दिल्ली रेडियो सिटी पर। देखिए आजकल दिल्ली में सिर्फ बातें चल रही हैं फास्ट टैग की। क्या है ये फास्ट टैग, किस किस को इसकी जरूरत है, इसीलिए आज हमने फोन किया अमृत सिंघा को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द फास्ट टैग्स। सर क्या है ये फास्ट टैग? सर गुड मॉर्निंग गिनी। एसेंशियली फास्ट टैग जो है एक RFID स्टिकर है जो यूज फॉर डिजिटल पेमेंट ऑफ टोल। Right. This is the flagship program of the Ministry of Road Transport and Highways and National Highway Authority of India, जो हम लोग ने 2016 में स्टार्ट किया था। Now the government has decided to make it mandatory for all toll payments. Right. तो सर ये 1 December तक सबको लगवाने हैं? फास्टैग दिसंबर जो है मतलब मिनिस्ट्री का मैंडेट ये कहता है कि जितने भी लेन्स हैं फास्टैग में, वो 2 लेन छोड़ के, एक टोल प्लाजा में अगर 10 लेन्स हैं उसमें से 2 लेन छोड़ के बाकी सब में वो फास्टैग लेन डिक्लेयर किया जाएगा या 1 December से एप्लीकेबल रहेगा हर टोल प्लाजा। सर मुझे बात बताओ, अभी तक कंफ्यूजन ये था कि यार ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे होगा, बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां हैं फॉर एग्जाम्पल जो किसी टोल को क्रॉस ही नहीं करती है, करेक्ट? क्या उनके लिए भी मैंडेटरी है? See, ma'am, this one information for the general public. ये फास्टैग जो है 2017 December से ये mandatory लग के ही आता है। We may not be aware, but the gadget of जो नई गाड़ियाँ हैं उसमें लग के आता है, ये मुझे लग के आता है। ठीक है जी, पर नहीं जो जिसके पास private vehicle है और 4 साल पुराना है, मान लीजिए 6 साल पुराना है, और उसको टोल नहीं क्रॉस करना, फॉर एग्जाम्पल नोएडा और गुड़गांव में अब टोल है ही नहीं, तो जो एवरीडे अपना जो ट्रेवल करता है क्या उसको भी फास्टैग की जरूरत है? फास्टैग इज मैंडेटेड फॉर टोल पेमेंट। अगर कोई पैसेंजर व्हीकल अगर टोल क्रॉस करते ही नहीं तो उन लोग के लिए तो मतलब ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं पड़ेगा ना सर, यही कंफ्यूजन है, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं दिल्ली आती हूँ, मेरी मैक्सिमम ड्राइविंग गुड़गांव तक होती है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इट इज ओनली इफ आई एम क्रॉसिंग टोल्स की मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, 100% सर। यस ठीक है। अच्छा सर ये फास्टैग अगर अभी किसी को ऑर्डर करना है तो वो कहाँ से करेंगे? आप फास्टैग खरीदने के लिए एक तो टोल प्लाजा जा सकते हैं, नेशनल हाईवे टोल प्लाजा में जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट सिलेक्टेड बैंक ब्रांचेस। सो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि फास्टैग इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऑल बैंक ब्रांचेस ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ऑल्सो SBI। कितने का है सर? मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया, ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये अनाउंस कि दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव डायरेक्टेड ऑल द बैंक्स टू मेक इट फ्री टिल 1 December। इट्स फ्री तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। फास्टैग का कॉस्ट, लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि फास्टैग चार्जेस जो है इसमें 3 कॉम्पोनेंट रहते हैं। 1 इज द कॉस्ट ऑफ द टैग, 2nd इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 3rd इज द मिनिमम बैलेंस। तो फास्टैग का कॉस्ट जो है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है अपना, पर सिक्योरिटी डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस जो आपको करना है वो तो ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द बैंक्स एंड इट रेंजेस फ्रॉम 150 टू 400 रुपीस जो एनीवे वन हैज टू रिचार्ज द वैलिड। परफेक्ट। और सर ये क्या आपके बैंक अकाउंट से लिंक होंगे? ऑब्वियसली ये बैंक अकाउंट से भी लिंक किया जा सकता है। हम लोग ने एक नया वेरिएंट फास्टैग का इंट्रोड्यूस किया था जनवरी लास्ट दिस ईयर 2019, जो एक बैंक न्यूट्रल टैग है जो कोई भी बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है यूजिंग माई फास्टैग ऐप जो अवेलेबल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है एंड iOS वर्जन भी इज रिलीजिंग सून। सर ऑल्सो जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं ना वो हमसे बार बार ये पूछते हैं कि जब अगर हम ये फास्टैग लगाएंगे इसके बाद MCD का टोल भी लगेगा। MCD टोल प्लाजा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो अभी वी आर ऑल्सो इन डिस्कशन विद वेरियस स्टेट्स टू ऑन बोर्ड दिस फास्टैग फॉर स्टेट टोल प्लाजा। तो क्या वो फिर अलग से देंगे? ये फास्टैग जो एक जो है ये NHT टोल प्लाजा के लिए है, तो हम लोग ने एक स्कीम निकाला भी है जहाँ पे स्टेट टोल प्लाजा भी ऑन बोर्ड आ सकते हैं। ऑलरेडी 39 टोल प्लाजा स्टेट टोल प्लाजा गुड़गांव आया है सर, अभी नहीं है सर ये मैम MCD का टोल प्लाजा अभी तो फास्टैग प्रोग्राम में नहीं है अभी, तो वी डिस्कशन विल ट्राई टू ब्रिंग देम एज वेल। अच्छा सर बहुत सारे कॉलर्स का एक सवाल था, आप कॉलर से ही सुन लो। बस मेरे को ये जानना है, पहले क्या होता था कि हम 24 घंटे का टोल कटवाते थे, आना जाना हमारा एक बार में हो जाता था, अभी मैं जितनी बार जाऊंगा क्या उतनी बार मेरे को पे करना पड़ेगा? सर ऑल बिजनेस रूल जो है वो फास्टैग पे इनेबल्ड है। अप डाउन का जो 1.5 टाइम्स लगते हैं दैट इज ऑल्सो इनेबल्ड। लोकल पासेस के लिए जो है वो भी इनेबल्ड है। मंथली पासेस दैट इज ऑल्सो इनेबल्ड। इनफैक्ट जो एग्जेम्प्टेड है फैसिलिटी इज ऑल्सो इनेबल्ड ऑन फास्टैग। अरे वाह सर, सब सोच लिया आपने, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सर। कुछ बेनिफिट है क्या फास्टैग के?
बेनिफिट्स आर मेनी. यूजर्स के लिए एक बेनिफिट ये है कि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 2.5% कैशबैक ऑन एवरी टोल ट्रांजेक्शन. अगर 100 रुपए का टोल देते हैं तो उसमें 2.5 आपको बैंक से वापस मिल जाता है उसी अकाउंट पे या वैलिड. सर दैट इज लवली. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं फास्ट टैग के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल वो 500 रुपए ले रहे हैं, 200 आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, 100 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं और 200 रुपए अपनी फीस ऑफ प्रोसेसिंग ले रहे हैं currently. Right. So see, we oppose this ministry, honorable minister ka direction. We have written to all the banks to make it. But sir, वो मान नहीं रहे. मैं यही बता रही हूँ आपको. So we'll definitely check with the banks also. Please do, sir. Thank you very much, sir. हम सबके fast tag को related सारे questions answer करने के लिए. Radio City.